हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे और काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे, और आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स भी बहुत खुश होंगे और वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं डेजी के प्लांट के ऊपर, ये पहला फूल डेजी का मेरे गार्डन में आज खिला और अब मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिए। उसको दबाने के बाद एक बेल आइकन आएगा, घंटे का निशान, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरा हर वीडियो देख पाएँ। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये होता है डेजी का प्लांट, जिसके लीव्स कुछ कुछ ये देखिए इस तरीके के लीव्स होते हैं। और अब तो वैसे जैसे ही ये लगे ही लेट है एक्चुअली इस साल, अभी मार्च जस्ट जैसे हाफ मार्च लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है और गर्मी जो है वो बहुत हाई लेवल पे आ चुकी है। हमारे यहाँ राजस्थान में तो गर्मियाँ बहुत, मतलब जैसे कई नॉर्मल जगहों पे गर्मी पड़ती होगी उतने तो हमारे यहाँ पे आई गई है। और मई जून में तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। कई लोग बीकानेर इधर, क्योंकि हमारा बॉर्डर पे आता है तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है। और अब देखिए मेरे मैरीगोल्ड्स भी देखिए सारे फ्लावर्स देने लग गए हैं। देखिए इन सभी में जो है फ्लावरिंग आ गई है। ये देखिए ये वाला फूल थोड़ा सा लो क्वालिटी का था, फिर भी चलो कोई बात नहीं, पर इनके आप फूल देखें, ये देखिए कितने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं इसके, मैरी गोल्ड्स के, इतने सारे अभी बर्ड्स आ रही हैं इसमें। तो आज मैंने सोचा चलिए इस पे वीडियो बनाते हैं। ये जो है इस बार लेट लगाई है तो देखिए इतने छोटे छोटे से में ही फूल आ गए, क्योंकि अब अगर ये फूल नहीं देंगे तो इनका सीज़न निकल जाएगा, इसलिए इन्होंने जल्दी फूल दे दिए। वरना ये बहुत बड़ी यूँ झाड़ सी बनती है और फिर मैरी गोल्ड जितने बड़े होकर फिर फूल आते हैं इसमें, और काफ़ी बिग साइज़ का भी आता है ये, तो काफ़ी मतलब छोटा सा फूल आया है क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है। और इस पर ये देखिए इनमें भी बर्ड्स आ रही हैं, ये भी कल परसों तक खिल जाएगा। इसमें भी जो है कई सारी बर्ड्स आ रही हैं और ये भी जो है अब खिलेंगे। और तो इस पे सबसे पहले तो देखिए मैंने एक बात मैं आपको बताऊं, ये मैंने उगाए नहीं है, ये एक मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ये पिछले साल ग्रो किए थे और पिछले साल मेरे को इनके फूलों में इतना अच्छा कोई मज़ा नहीं आया कि मेरे को अच्छे नहीं लगे इसके फूल। वैसे होते तो अच्छे ही हैं, पता नहीं मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे, तो मैंने फिर इनको बिना बीज कलेक्ट किए फेंक दिए थे इनके पौधे। और इस साल क्या हुआ, ये वैसे अपने आप ही कोई एक दो सीड गिर गए होंगे तो मेरे पास ये तीन पौधे ही उग गए हैं। ये देखिए अपने आप उग गए हैं ये, और ये जो है फ्लावरिंग पे आ गए हैं अब। तो देखिए इसको सबसे पहले तो आप किसी भी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसके यहाँ पे सीड्स बनते हैं, ये अभी जैसे फूल पकेगा तो अंदर छोटे छोटे से ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वो सीड जैसे से बिल्कुल टाइनी टाइनी से होते हैं, तो उनको आप डालें और नहीं भी डालें ना, वो अपने आप ऐसे बिखेर दें, वो अगले साल अपने आप उग जाते हैं जैसे मेरे उगे हैं। और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। पानी देखिए मैंने बिल्कुल नहीं दिया हुआ, अभी मिट्टी बिल्कुल ड्राई सी पड़ी है। अभी किसी गमले में देखिए मैरीगोल्ड और भी सारे सूखे पड़े हैं, मैंने मैंने पानी अभी 3 दिन से दिया नहीं है, अभी देना है पानी, टाइम नहीं मिला। और अभी गर्मी की वजह से बहुत जल्दी जल्दी भी देना पड़ता है पानी। तो इसको देखिए ये थोड़ा सा भी पानी अगर कम दें, ये देखिए कैसे लटक गई है, यूं हो गई है। तो इसलिए इसका पानी का ये ध्यान रखना है, हर टाइम इसकी मिट्टी गीली रहे। इसके रूट रॉट वगैरह का तो सोचना नहीं है, इतने से टाइम पौधा उगता है उसमें कोई मतलब। और इसका कटिंग वगैरह का मेरे को मालूम नहीं है, बट सीड आप आराम से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? तो सीड इसका आराम से ग्रो कर सकता है। और इसका फूल जो है बीच में से देखिए येलो है, ये कई वैरायटीज का आता है मेरे ख्याल से, और मैंने जो गया है इसमें देखिए बीच में येलो है, साइड साइड में पेटल्स जो है, और एक वैसे इंग्लिश में एक सिमिली भी है जैसे एज फ्रेश एज डेजी। तो फ्रेश एज डेजी पता नहीं, मेरे को तो कोई ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, पर चलिए ठीक ठाक सा फूल आता है इसमें। और आप फुल धूप में रखें इसको सर्दियों में, अब तो जैसे मैं हमारे यहाँ गर्मियाँ आ गई हैं तो अब मैं वैसे इसको शेड में रखना चाहिए। अब मैं करूँ क्या, ये ज़मीन में लगाए हैं और यहाँ पे अभी तो ये बुगनवेलिया और की शेड है तो ये इतनी धूप नहीं आ रही, वरना इनको आप इस टाइम तो शेड में रख दें क्योंकि ये झुलस जाते हैं, वरना ये देखिए ऐसे लटक रहा है ना ये,
पानी की कमी भी और धूप भी बहुत हाई लेवल पे है, तो इसलिए जो है ये ऐसे हो जाता है। तो इस टाइम आप इसको अगर लगाएं तो शेडी रीजन में रखें, और गर्मियों में तो ये लगना बहुत मुश्किल है, गर्मियों का ये प्लांट ही नहीं है, और ये टेम्प्ररी प्लांट है सिर्फ सर्दियों का, मैरीगोल्ड की तरह। और खाद वाद तो आप जैसे इसकी मिट्टी प्रिपेयर करें तो 50% काउडंग मैन्योर और 50% सॉइल लेके आप इसकी प्रिपेयर कर सकते हैं मिट्टी। और मैं तो आपको बताऊं, मैंने तो जिस मिट्टी में लगाया है ये जस्ट गार्डन सॉइल है, कोई फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला ही नहीं है, और शायद तभी इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाई। शायद ये मैरीगोल्ड और में तो मैंने दिया था काउडंग मैन्योर, इसमें तो दिया नहीं है। तो ये इजी टू ग्रो प्लांट है, जस्ट आपको शो करना था, और इसकी ऐसी कोई केयर टिप्स नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।